आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया का एक ऐसा अद्भुत दृश्य, एक ऐसा हैरत अंगेज दृश्य जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो भगवान की तपस्या के बल पर धधकती हुई होली की ज्वालाओं में से सुरक्षित निकलता है। हजारों हजारों लोग इस दृश्य को देखकर प्रभु की कृपा मानते हैं, उस व्यक्ति का अदम्य साहस मानते हैं, उसकी तपस्या का बल मानते हैं कि ब्रज भूमि के मथुरा के निकट कोसी के पास एक छोटे से गांव फालेन में भगवान प्रह्लाद की भक्ति और तपस्या करने के बल पर एक व्यक्ति 20 फुट ऊंची ज्वालाओं में से, होली की धधकती हुई ज्वालाओं में से निकलता है सुरक्षित, और लोग भगवान नरसिंह के, भक्त प्रह्लाद के जय घोष के साथ इस विज्ञान के युग में उस व्यक्ति की अदम्य साहस को प्रतिवर्ष होली पर देखते हैं, दर्शन करते हैं, दांतों तले अंगुली दबाते हैं। आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम उन पंडा जी से आपकी बात कराएंगे, उनका हम साक्षात्कार लेंगे, वो किस तरीके से तपस्या करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे, कौन सा वो प्रह्लाद जी का मंदिर है उसके दर्शन कराएंगे, प्रह्लाद कुंड के दर्शन कराएंगे, पूरी होलिका के आपको दर्शन कराएंगे और वहाँ की पूरी जो कहानी है उसको विस्तार से आपको बताएंगे। आप अंत तक बने रहिए। ये कोसी के पास स्थित फालेन गांव का वो विशाल प्रह्लाद जी का मंदिर है, भव्य और प्राचीन प्रह्लाद जी का मंदिर है, जिस प्रह्लाद जी के मंदिर में पूरे 40 दिन तपस्या करके, पूजा अर्चना और ध्यान लगा के पंडा जी जो हैं वो धधकती हुई ज्वालाओं में से निकलते हैं, होली में से निकलते हैं। लगभग समझिए आप 20 फीट ऊंची धधकती हुई आग में से पंडा जी निकलते हैं। ये उनकी ध्यान और तपस्या का परिणाम है। भगवान के भक्त प्रह्लाद जी की कृपा का परिणाम है कि भक्त प्रह्लाद की कृपा के तले पंडा जी निकलते हैं धधकती हुई आग में से। और आप ये देख सकते हैं, ये भक्त प्रह्लाद जी का मंदिर है जो ग्राम फालेन में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण रावतपाल के सहयोग से किया गया। ये प्रह्लाद जी का भव्य और विशाल मंदिर है जहां पर पूरे 40 दिन तक पंडा जी ने तपस्या की है। और ये आप देख सकते हैं भक्त प्रह्लाद विराजमान हैं, ये इधर गणेश जी विराजमान हैं और इधर विष्णु भगवान, बीच में विष्णु भगवान विराजित हैं और इधर प्रह्लाद जी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं बीच में भगवान विष्णु हैं और दाहिनी ओर को उनके प्रह्लाद जी विराजमान हैं और इधर बाईं ओर को गणेश जी विराजमान हैं और नीचे ये प्रह्लाद जी की प्राचीन स्वरूप है, जो प्रह्लाद जी प्राचीन स्वरूप में यहाँ विराजित हैं। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है और इसी मंदिर की ध्यान और तपस्या के परिणाम स्वरूप ये पंडा जी आज पूरे विश्व में विख्यात, ऐसी अद्भुत अलौकिक लीला आज यहाँ करने जा रहे हैं, जिस लीला के माध्यम से पूरा विश्व विज्ञान के इस आधुनिक युग में चमत्कृत है। और यहीं 40 दिन तक अपनी घनघोर तपस्या के बल पर पंडा जी धधकती हुई ज्वालाओं में से निकलेंगे। लगभग 20 फीट ऊंची ज्वालाओं में से निकलकर पंडा जी इस प्रह्लाद मंदिर पर पहले पूजा अर्चना तपस्या ध्यान करने के बाद ये एक ज्वाला जो जल रही है, ये लौ जो जल रही है, इस लौ पर जब वो हाथ रखते हैं तो ये लौ उनके लिए गर्म नहीं लगती है, ठंडी लगने लग जाती है और तभी वो यहाँ से अपनी तपस्या से उठते हैं प्रह्लाद जी को प्रणाम करते हुए और प्रह्लाद कुंड में जाकर स्नान करते हैं और उसी के बाद धधकती हुई ज्वाला में से बाहर निकलते हैं। बोलो प्रह्लाद जी महाराज की जय। प्रह्लाद जी के इस भव्य और प्राचीन मंदिर जहाँ से ये पंडा जी पूरे 40 दिन तपस्या और साधना करने के बाद निकलते हैं होली में से,
उसके समीप ही ये विशाल होली जो है वो बनाई हुई है, धरी हुई है, पूजी हुई है। और मैं आपको इस होली के पूरे दर्शन इस समय करा देता हूं, क्योंकि बाद में इस होली के आसपास इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप इसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये वो विशाल होली है जिस होली में से पंडा जी धधकती हुई आग में से निकलेंगे, लगभग 20 फीट ऊंची आग में से पंडा जी इस होली में से निकलेंगे। और ये वो विशाल होली है जो पूरे गांव ने पूजन करने के बाद और इसके चारों ओर मांगलिक धागा लपेटकर इसे पूजा गया है। ये वही होली है, आप इस होली के दर्शन कर सकते हैं। इस होली में से पंडा जी निकलेंगे धधकती हुई आग, पूरे विधि विधान के साथ इस होली में अग्नि जो है वो प्रवाहित की जाएगी, और जब अग्नि की लपटें पूरी होली को अपने आगोश में ले लेंगी तब इसमें से पंडा जी निकलेंगे। ये प्रहलाद कुंड पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद, और ये प्रहलाद कुंड है। ये प्रहलाद कुंड के लिए वो रास्ता आता है जिस रास्ते पर से पंडा जी स्नान करने के बाद इस होली में से निकलेंगे। यही वो स्थल है जहां पंडा जी स्नान करने के बाद इस रास्ते से प्रहलाद कुंड में से स्नान करने के बाद यहां इस रास्ते से दौड़ लगाते हुए इस होली में से धधकती अग्नि जब इसमें होली में प्रभावित हो जाएगी तब इस अग्नि में से पंडा जी का निकलना होगा। और पूरे ध्यान और तपस्या के बल पर पंडा जी इस होली में से भागते हुए केवल एक लंगोट पहने हुए और सिर पर पगड़ी बांधे हुए इस विशाल होली में से, जो विधि विधान पूर्वक यहाँ रखी गई है, इस होली में से पंडा जी का निकलना होगा। आप भी इस होली के दर्शन कीजिए और प्रणाम निवेदित कीजिए इस होलिका माँ को, जिसमें से पंडा जी का निकलना होगा। ये फालेन गांव के वही पंडा जी हैं जो आज रात को फालेन की इस भव्य और विशाल होली में से अपने तप के बल से, अपने ध्यान के बल से और अपनी ब्रज की इस अमूल्य विरासत के बल से आज प्रहलाद कुंड में स्नान करने के बाद निकलेंगे उस विशाल भव्य होलिका में से। और पूरे एक महीने से आपका जो तप जो है वो चल रहा है, हम थोड़ा सा इनसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। पंडा जी, मैं आपके चरणन में प्रणाम करूं, आपको नमस्कार करूं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि जो आप ये इतनी हमारी भव्य परंपरा है या को आप निभा रहे हो, या के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दो कि ये कैसे है और कब से ये परंपरा चली आ रही है, और आप कौन सी ऐसी तपस्या करो जाते इतनी धधकती हुई आग में थे आप बड़े ही सुंदर तरीका से निकलो हो, ये थोड़ा सा हमें जानकारी दो। देखिए जी, हमारी बस की बात नहीं है, बस की है तो मेरे प्रहलाद जी की बस की है। लीला यहाँ पर प्रहलाद जी ने जन्म लिया था, और जन्म के नाते भगवान श्री कृष्ण ने 5500 वर्ष पहले इस लीला को शुरू किया है। 5500 वर्ष से लीला चलती आ रही है। हमें संकल्प दिया जाता है और संकल्प के हेतु प्रहलाद जी महाराज का भजन हमको करना पड़ता है। प्रहलाद जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं तब हम अग्नि के लिए प्रवेश करने के लिए यहाँ से निकल करके जाते हैं, तो प्रहलाद जी महाराज ही स्वयं हमारे आगे आगे चलते हैं और तब वो सो लीला का निर्वहन स्वयं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी यहाँ आकर के प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं और प्रहलाद जी महाराज हम दासों पर कृपा करते हैं। ऐसी लीला है प्रहलाद जी महाराज की कि देखिए वे स्वयं आते हैं और आकर के एक संकल्प है हमारा
कि एक लौंग बतासे से हम कूड़ 40 दिन बिता देते हैं, जिस दिन वो 40 दिन हमारे कूड़ हो जाते हैं उस दिन पहलाची महाराज प्रसन्नता पूर्वक हमें अग्नि की लपटों में से पार कर देते हैं। बोलिए पहलाची महाराज। तो ये आपकी तपस्या 40 दिन पहले शुरू हो जाती है, 40 दिन और 40 दिन हम पूर्ण ब्रह्मचर्य से यहाँ पर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के बल पर ये हम मंदिर प्रांगण को छोड़कर के 40 दिन तक हम कहीं जाते नहीं है। अगर अपने घर भी नहीं जाएंगे, बीवी बच्चों के पास नहीं जाएंगे, ना किसी रिश्तेदारी में नातेदारी में जाएंगे, सिर्फ करेंगे तो पहलाची महाराज का भजन। बस हमें, हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को भी मानते हैं और हम वैष्णो देवी माता को भी मानते हैं, सभी को मानते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं भाव से हम पहलाची महाराज की, क्योंकि वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे देव हैं, वही हमारे माता पिता हैं, सर्वश्रेष्ठ वही है। तो आज कितने बजे यहाँ ये होगा कार्यक्रम? जी सुबह में 4 बजे होगा। 4 बजे आप यहाँ से उठेंगे और उसके बाद प्रहलाद कुंड में स्नान करेंगे, उस समय आपके तन पर एक एक धोती होगी, बस लंगोट होगा और एक पगड़ी होगी, बस एक लंगोट और एक पगड़ी, उसके बल पर आप नंगे पैर और आप वहाँ इस जलती हुई होलिका में से निकलेंगे सुरक्षित। ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आप इस आधुनिक युग में भी इतना भव्य और अलौकिक कार्य कर रहे हैं कि जब विज्ञान ये मानता है कि आग में व्यक्ति कैसे भी सुरक्षित नहीं रह सकता, तब पूरे विश्व के लिए ये बहुत आश्चर्य और बड़े ही हैरतअंगेज करने वाली बात है। पूरा विश्व जो है वो आपको देखेगा कि आप धधकती हुई आग में से यहाँ प्रवेश करेंगे और बड़े ही सुरक्षित प्रकार से आप निकलेंगे। मैं सभी दर्शकों की ओर से आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ और पूरे देश दुनिया के लोग आपको देखने के लिए आते हैं, उन सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। ये वही पंडा जी हैं, मोनू पंडा जी, जो कोसी के पास फालेन गांव के निवासी हैं और ये बड़ी इनकी कृपा रही है कि इन्होंने आज हमसे बात की है। ये इस समय अस्पर्श की स्थिति में हैं और अपने चरण भी ये किसी से नहीं छुपा रहे हैं और यहाँ प्रहलाद कुंड पर विराजमान होकर आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। एक मिनट ये पकड़िए, अरुण जी उंगली नहीं, यहाँ पे उंगली, एक मिनट वही पंडा जी है जो आज यहाँ से भटकती हुई आग में से निकलेंगे। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करूँ, धन्यवाद। एक प्रणाम कर लो, घर में करना दूर के दूर के। होली की विशाल अग्नि के आसपास भी जब कोई खड़ा नहीं रह सकता, ऐसी स्थिति में इतनी ऊंची ज्वालाओं में से सुरक्षित निकलना आज भी विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है जो तपस्या के बल